इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा सर के अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में जल्द आबकारी विभाग में नियुक्ति की जाएगी। जी हां, दरअसल 11,000 करोड़ से अधिक राजस्व कमाई करने वाले आबकारी विभाग में कर्मचारियों का टोटा बना हुआ है। जी हां, कर्मचारियों की कमी झेल रहे आबकारी विभाग में जल्द नवीन नीतियां की जाएगी। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग में 50% अधिकारी नहीं होने की वजह से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने में मुश्किलें हो रही है। जानकारी के मुताबिक विभाग के पास 50% स्टाफ है, जो अमला बाहर कार्य कर रहा है उसे भी एक से अधिक प्रभार सौंपे गए हैं। आंकड़ों की माने तो विभाग में अपर आयुक्त के 2 पद खाली हैं, वहीं उपायुक्त के 11 पद में से 5 पद खाली पड़े हैं। जिलाधिकारी के 62 स्वीकृत पदों में से 30 ही पद पर भर्ती प्रक्रिया हुई है, जबकि 32 पद अभी रिक्त है। सहायक जिलाधिकारी के 262 में से 86 पद रिक्त है, जबकि उप निरीक्षक के 531 में से 225 पद पर नियुक्ति होनी है। मुख्य आरक्षक के 316 में से 15 पद रिक्त है, जबकि आरक्षक के 1021 में से 456 पद पर भर्ती होनी है। वहीं आईटी ऑपरेटर के 105 पद में से 28 पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। सहायक ग्रेड 2 के 92 में से 42 पद रिक्त है और सहायक ग्रेड 3 के 158 में से 26 पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जिले में एक व्यक्ति के पास कई प्रभार दिए गए हैं। वर्तमान में 32 जिला आबकारी अधिकारी, 225 उप निरीक्षक सहित 159 मुख्य आरक्षक और अन्य स्वर्ग के ढेरों पद खाली पड़े हुए हैं। इस पर बोलते हुए आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे का कहना है कि फील्ड और दफ्तरों में खाली पदों के कारण विभाग में काफी दिक्कतें आ रही है। भर्ती के लिए अभी कोई प्रक्रिया फिलहाल प्रारंभ नहीं की गई है, लेकिन होमगार्ड जवानों की सेवाएं ली जा रही है। जल्द विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।